नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आगाज करते हैं खबरों का। मानसा के मदर मिलेन पैलेस में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब यहां एक शादी के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी और पैलेस हवा की तरह ढह गया। कर्मचारी किसी तरह अपने जान बचा सके देते हुए बताया कि आज एक शादी का कार्यक्रम था और महल में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे जिन्होंने धमाके की आवाज सुनी और अपने जान बचाने के लिए भागे। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मानसा से, जहां पर अचानक एक हादसा हो गया जहां शादी की खुशियां मातम में बदलती नजर आई। क्योंकि आपको बता दें कि जान माल का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से शादी की तैयारियां चल रही थी और अचानक जो मैरिज हॉल है वो पूरी तरह से ढह गया, उसकी छत पूरी तरीके से ढह गई, जिसके बाद हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन शादी की तैयारियां यहां चल रही थी और इस दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिला। और इस माहौल जब ये बना तो छत गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद आसपास जो लोग हैं वो इधर उधर भागते नजर आए। पूरे तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी यहां पर नहीं है। ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਪੈਲਸ ਚ, ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕੋ ਲਾ ਦੀ ਉਹ ਪੈਲਸ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਸਾ ਬੱਜੇ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ? 8 ਕੁ ਵਜੇ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚਾਂਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ पिछे काम करी जाते सारे असि बाहर भागे माड़ा जा मैं चल बार मुंडे काम देख आईए बाहर के पास गेट ची गए पिछो डिगना शुरू है ना ये बचत रहेगी जे सारे इक्के लत्त डिगदा फिर कोई भी नहीं बचता जी। प्रोग्राम हां हां प्रोग्राम सी ताइयों बचत रहेगी। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਬਾਈ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਰੋਗੀ 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 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਜੀ ਐਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਲਈਏ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕਿ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਚਾ ਐਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ इस बीच आपको सीधिया लिए चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास रहा वो आपको सुनाते हैं। पुवारी मिला हुआ है, सो वी आर प्राउड टू हैव हिम हेयर विद अस। और मेरे दूसरी साइड नायब सूबेदार प्रमोद कुमार राणा जी ने आज पंजाब सरकार ने आज पंजाब सरकार ने दो बड़े अहम फैसले लिते ने साबका सैनिकों के हक दे विच। सब तो पहला तो जेड़े परिवारों नू जंगी जागीर मिलती सीगी, जेड़े सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच जिन्हां दा कला कला बच्चा या दो तो तीन बच्चे या ज्यादा बच्चे सैकेंड वर्ल्ड वार विच जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या फिर 1962 दे विच जिहड़ी नैशनल एमरजेंसी डिकलेयर हुई या 1971 दे विच, सो उन्हां विच जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्हां च जिहड़े परिवारों नूं जंगी जागीर मिल रही है वो उसकी राशि पंजाब सरकार ने अज वधा के दुगनी कर दिती है। पहला उन्हां परिवारों नूं 10,000 रुपये महीना मिलता सी ते हुण वो 20,000 रुपये महीना कर दिता गया है। और दूसरा फैसला जड़ा है वो जड़े आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दे जवान ने जड़े के जख्मी हो जाते ने डिसेबल्ड हो जाते ने उन्होंने जड़ी एक्सग्राशिया राशि मिलती सीगी वो भी जड़ी है वधा के डबल कर दी गई है।
जेड़े लोग 76 तो 100% तक डिसेबल्ड हो जाते सी पहला उन्हां नूं 20 लाख रुपया मिलता सीगा हुण वधा के 40 लाख रुपया कर दिता गया और जेड़े 51% तो 75% तक डिसेबल्ड होंदे सी पहला उन्हां नूं 10 लाख रुपया मिलता सी वह वधा के हुण 20 लाख रुपया कर दिता गया है और जेड़े 25 तो 50% तक डिसेबल्ड होंदे सी उन्हां नूं पहला 5 लाख रुपया मिलता सी वह हुण वधा के 10 लाख रुपया कर दिता गया है। सो आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि आम लोगों की पार्टी है और आम लोग जिहड़े हैं वह देश भगत होंदे हैं आम लोगों के बच्चे ही जिहड़े हैं देश दीआं सेनावां विच जांदे हैं चाहे वह आर्मी नेवी एयरफोर्स होए और आपां देखिया कि पंजाब खास करके जिहड़ियां देश दीआं सेनावां ने उन्हां दे नाल बहुत गहरे तौर पर जुड़िया होया और जे आपां परसेंटेज की गल करिए हालांकि देश की जनसंख्या का परसेंट जिहड़ा वह सिर्फ 2% हैगा पंजाब लेकिन पंजाब तो 7% तो उपर जिहड़े जवान ने वो फौज दे विच जांदे ने और यही लोग जाके फिर देश दे लिए अपनियां कुर्बानियां देंदे ने शहीद हुंदे ने। आपां देखिया कि पहले दिन तो जदों तो भगवंत मान सरकार बनी है उस दिन तो ही सब तो पहला कदम लिता गया कि जिहड़ा शहीद जवानों के परिवारों नूं मदद की जाती सी सन्मान राशि दी जाती सी 50 लाख तो वधा के 1 करोड़ रुपया कर दी गई सी ते नाल ही एक सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया सी। सो उसी कड़ी विच भगवंत मान सरकार होर कदम चुक रही है और अज ये 2 बड़े अहम कदम उन्होंने चुके जी ये इमीजिएटली लागू हो रहे हाँ जी। देखो जिहड़े वार जागीर वाले ने करीब 83 परिवार ने जी तो उन्होंने सारे नूं यह फायदा मिल रहा है तो जिहड़े डिसेबल्ड ने वो तो हजारां विच ने सो बहुत वड्डा फायदा उन्होंने ये पंजाब सरकार दे रही है और सानू यह माण है ये कोई असीं उन्होंने एहसान नहीं कर रहे एक साड़ी जिहड़ी उन्होंने पंजाब सरकार वालों और पंजाब वालों एक शुकराने के तौर पर सम्मान राशि हैगी। मुख्यमंत्री साहब की दिया कई मीटिंग्स हुई इन्हों परिवारों के नाल डिसेबल सोल्जर्स के नाल ते उस उन्होंने सारे ध्यान च रखते हुए ये इंक्रीज किया गया है। देखो पहली गल तो यह है कि अग्निवीज नूं भी लैके पंजाब सरकार की यही नीति रहेगी उस विच कोई फर्क नहीं रहेगा और असी यह महसूस करते हैं कि उस पर्टिकुलर केस विच जिहड़ा है किधरे ना किधरे गलती हुई है जिहड़े अफसरां ने उपर बह के डिसाइड किया है कि वह सुसाइड सीगा क्योंकि पहला जिहड़ियां खबरां आईयां सी उस विच दस्या गया सी कि भई उन्हां दी यूनिट दे जिहड़े होर सैनिक सीगे उन्होंने जाके देखिया कि अमृतपाल जिहड़ा है वह खून दे विच लथपथ सीगा। सो उत्थे कोई भी एविडेंस नहीं सी कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं सी जिहड़ा कि कह सकता कि उसने सुसाइड किया है। सो ये एक्सीडेंटल फायरिंग का केस भी हो सकता है और जिथे एक्सीडेंटल फायरिंग होंदी है उत्थे भी जिहड़ा है इंसान नूं शहीद मन्निया जांदा है। सो जब तक असी यह सिद्ध नहीं कर सकते बियॉन्ड डाउट कि भी ये वाकई सुसाइड है तो आप किसी जवान के हक उसके परिवार के हक किवें खो सकते। थैंक यू जी। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मोगा से खबर है अभी गत दिवस दूल्हे की कार की दुर्घटना में दूल्हे सहित कुल 4 लोगों की मौत की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सोमवार को गांव कढ़ाई वाला के नजदीक एक वरना कार और ट्रक की भिड़ंत में वरना कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल दुर्घटना का क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है अनेक पहलुओं से इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। हादसा है जी NHI 703B कड़ाया टोल प्लाजा के इलाके
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ? ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਉਮਰ 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਇਰਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਟਰੱਕ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੰਜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੰਜ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੱਜਣ ਨਾਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਖੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਕੋਲ ਏੜ ਗੇੜ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਦਸਾ ਸੁਬਾਹ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसके बारे में जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, सुनिए। आने वाले गुरपुरब के उत्ते इस स्कीम की जिहड़ी आ उह शुरुआत पंजाब च होगी, और मैं समझदा काफ़ी बहुत सारिया ट्रेना जिहड़ियां कि नंदेड़ साहब तक साढ़े हरिमंदर साहब तो लैके ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਗੀਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10,000 ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1900 ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ 76% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ
जख्मी ने गे 76% तो लैके जेडे 100% तक नकारा हो जाते ने गे उन्हों की राशि जी 20 लाख तो बधा के 40 लाख रुपए की गई है। इस तरह जेडे 51% तो 75% तक नकारा हो जाते साडे सैनिक भरा उन्हों की एक्सग्रेसिया ग्रांट जी 10 लाख तो बधा के 20 लाख रुपए की गई है। इस तरह जेडे 25% तो 50% तक नकारा हो जाते उन्हों की ग्रांट जी 5 लाख तो 10 लाख रुपए तक बधाई गई है। सो एक बहुत बड़ा फैसला मैं समझना पंजाब के साडे जेडे सूरवीर योधे पंजाब के जेडे बहादुर सैनिक जेडे देश की डिफेंस के विच जेडे सेवा निभाते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई किया गया। इस तरह होर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जेड़ा मैं समझदा जिदे नाल पंजाब दे साडे चेयरमैन साहब आए प्लीज एक बहुत ही वड्डा फैसला क्योंकि काफी लंबे अरसे तो साडे पंजाब दे जेड़े व्यापारी भरा सीगे क्योंकि पिछे जे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर दिल्ली दे मुख्यमंत्री जो पंजाब दे दौरे ते आए सीगे तां बहुत सारे साडे ट्रेडर्स बहुत सारे साडे व्यापारी भरा चाहे जलंधर च अमृतसर विखे लुधियाणा विखे साडा जिहड़ा एक समागम होए सी बहुत सारिया समस्यावां नूं सुनिया गया सीगा बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्यावां दा एक जिक्र कीता सीगा कि किहड़े किहड़े पुराने एक्टां दे अंदर साडे ते केस जिहड़े ने कोई पंजाब चलदे सीगे पर उहदे लई असीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लैके आयांगे। इहदे विच पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि पंजाब वैट टैक्स एक्ट जिहड़ा 2005 उहदे केसिस सीएसटी एक्ट 1956 उहदे केस पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 उहदे केस पंजाब जनरल सेल्स टैक्स 1948 उहदे केस पंजाब इंटरटेनमेंट एक्ट टैक्स 1954 उन्होंने केस पंजाब टैक्स ऑन लग्जरी एक्ट 2009 उन्होंने केस पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011 इन्होंने केस लगभग 61,847 केस बनते ने हुण तक 61,847 केस ने जिदे विच मैं समझना बैट जिहड़ा कि 2017 तो जो जीएसटी का एक्ट आयागा जो जीएसटी एक्ट आयागा जो वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला देश लागू होया तो उस समय जीएसटी तो पहला जो टैक्स दियां रजीम चलदियां सी स्टेटां दे अंदर उहदे विच सब तो वध के जिहड़े नेगे पंजाब वैट टैक्स देने के लगभग 32,699 32,669 टैक्स जिहड़े केस सीगे उह पेंडिंग पए सीगे। इह सारिआं नूं असीं बहुत वड्डी राहत जिहड़ी आ पंजाब दे सी ट्रेडर नूं पंजाब दे व्यापारियों देण जा रहे हांगे। अज कैबिनेट दा बहुत ही अहम फैसला मैं समझदा दिवाली उपर दिवाली दे शुभ त्योहार उत्ते गिफ्ट सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने व्यापारियों दिता गा क्योंकि बड़ी चिरकोणी मंग सीगियां हुण तक दो बैट दीआं स्कीमां पंजाब च आईआं सीगियां दो वन टाइम सैटलमेंट दीआं दो स्कीमां पंजाब च आईआं सीगियां और दोनों ही स्कीमां फेल हो चुकी सी पंजाब च और सारा अनैलिसिस मेरी अगवाई च सब कमेटी बनी सी असी सारा अनैलिसिस किया असी बहुत सारे ट्रेडर्स दे मीटिंगां कीतियां और सारे उन्हां तों इनपुट लाए चाहे अमृतसर दे अंदर जदों अरविंद केजरीवाल जी आए उस समय लुधियाणा जलंधर मोहाली सारे शहरां दे अंदरों डाटा तैयार करके उन्हां दीआं गल्लां सुन के उन्हां दीआं समस्यावां नूं सुन के
उन्होंने हल करने का वैसे वादा किया इलेक्शन तो पहला का वादा सीगा। सो उस तो बाद भी दोबारा सुनिया। सो अज जिहड़ा असी अहम फैसला उन्होंने हक में लिया गया और जिन्हों का लमसम टैक्स 1,00,000 रुपए तक जेड़े व्यापारियों ने डिपार्टमेंट का 1,00,000 रुपए तक का टैक्स देना गा वो सारा का सारा असी वेव ऑफ किया गा, सारा का सारा माफ किया गा। सो मैं समझा एक बड़ा जिहड़ा है फायदा पंजाब के 39,787 जेड़े जिन्हों का 1,00,000 तक का 100% उन्हों का टैक्स भी माफ आ, इंटरेस्ट भी माफ आ और पलेंटी भी जी 1,00,000 तक जेड़े आते ने उन्हों का सारे का माफ आ। 1,00,000 तो लैके जिन्हों की 1,00,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक का 1,00,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक का जिन्हों के खिलाफ टैक्स खड़ा गा उन्होंने असी फैसला किया गा। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी फराक दिली पंजाब के लोगों दिखाते हुए पहली बार होया गा। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री किवें लैके आना गा, पंजाब के व्यापारियों को होर किवें ताकतवर करना गा, क्योंकि जे साडा बिजनेस वधूगा तो मैं समझना साडा पंजाब भी होर तरक्की करूगा। तो असी जिन्ना उन्होंने 1,00,000 तक का टैक्स हैगा वह असी 50% माफ किया गा, ये 100% जोड़ा इंटरेस्ट माफ होया गा और 100% ही जी असी पेनल्टी माफ की। कुल जेडे केस ने गे 1,00,000 तो लैके 1,00,000 तक 19,361 हो गए, 1,00,000 तक 39,787 ते 1,00,000 तक 1,00,000 तो लैके 19,361 यानी कि टोटल 69,148 लगभग पंजाब दे विच 60,000 बंदियां नू 60,000 पंजाब दे व्यापारियों मैं समझदा एक बड़ा राहत जड़ी है बड़ी राहत जड़ी है सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने दिती है। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा एक दिवाली का तोहफा दिवाली का गिफ्ट जिहड़ा गा वो असी पंजाब दे लोगों नू दिता गा। सो यह जी स्कीम हैगी 15 नवंबर तो यह शुरू हो जूगी, 15 तरीक तो शुरू होनी है और 15 मार्च तक यदा समा गा और इस समय के दौरान यह लागू रहनी हैगी। इस स्कीम के अंदर जेड़े भी व्यापारी चाहणगे जेड़े भी 50% टैक्स भरना चाहणगे 1,00,000 तो थले वाले तो अपना टैक्स भर के जेड़े पैसे बनते हैं गे वह अपना जोड़ा है सर्टिफिकेट लै सकते हैं। सो मैं समझा एक बहुत बड़ा इतिहासिक फैसला अज पंजाब के व्यापारियों के हक में अज की कैबिनेट के होया गा। सो ये मैं समझना पंजाब के व्यापारियों को एक बड़ी राहत जी मिलेगी। जी टोटल डिमांड है ना जी 1,00,000 तक तो लैके टैक्स भी है इंटरस्ट भी है पेनल्टी भी है। 1,00,000 तक की अमाउंट का मतलब आ कि नहीं कि टैक्स है टैक्स भी है इंटरस्ट भी है पेनल्टी भी है और इसे तरह जिहड़ा 1,00,000 तक है उसके विच भी टैक्स भी है पेनल्टी भी है इंटरस्ट भी है। सो मैं समझदा अच्छ दिवाली के मौके से शुभ मौके उत्ते सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक वड्डा जिहड़ा वड्डा फैसला पंजाब के व्यापारियों के हक में दिता गा, बहुत ही मैं समझदा अहम फैसला जे होया गा। इस तो बिना पंजाब दे अंदर कनगोज दा ते पटवारियां दा कनगो ते पटवारियां दा कॉमन कार्डर नहीं सी पंजाब दे अंदर, कॉमन कार्डर नहीं सी पंजाब दे अंदर, जिलियां दे कार्डर बने हुए सी, डिस्ट्रिक्ट दे कार्डर बने हुए सीगे। आज जो भी एक बहुत ही अहम फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।